अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो कश्मीर यूट्यूब इन्फॉर्मेटिव, पे मिलती है आपको यूट्यूब कश्मीर कम्युनिटी की सारी अपडेट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन जरूर से कर लेना। और अगर आप लोगों को भी एक शॉर्ट आउट चाहिए तो आपको एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक लाइक करना पड़ेगा और एक अच्छा सा कॉमेंट करना पड़ेगा, तो फिर एक बंदे की हम कॉमेंट उठा के उसको शॉर्ट आउट देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में उससे पहले बात करेंगे आमिर माजिद के बारे में, जो कि आप सब लोग को पता ही होगा कि इसके ऊपर अटैक हुआ था कल। तो आमिर माजिद के इंस्टाग्राम अकाउंट से किसी ने स्टोरी लगाई थी, तो आप भी पढ़ सकते हो। तो उसमें लिखा है कि आमिर माजिद पर ये चौथी बार अटैक हुआ है और इसके पेरेंट्स अभी फाइन नहीं है, और इसमें लिखा था RIP ह्यूमैनिटी। और इसके अलावा और एक स्टोरी आमिर माजिद ने शेयर की थी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जो कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। इसमें लिखा था एक भी मीडिया चैनल ने कवर न्यूज़ कवर नहीं की, और लिखा था RIP जम्मू मीडिया। तो आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर। और इसके अलावा आमिर माजिद ने और एक वीडियो शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पर, जिसपे लिखा था RIP जम्मू पुलिस। तो आप लोग ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। तो अभी कते बात आया आमिर माजिद के बारे में, उसने भी रिएक्ट करके एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, जो कि आप लोग ये स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें लिखा था इसके ने 10 बंदों के साथ फाइटिंग की थी और अभी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं उसने दिया बोला है कि ना है कि JK मीडिया और ना JK पुलिस कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है विदाउट यूट्यूबर। तो आप लोग को इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी कते बात सिटी एक्सप्रेस के बारे में, उसने भी इस पर एक रिएक्ट किया था, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। इसने लिखा था इस पर वी वॉन्ट जस्टिस। तो ये थी न्यूज़ आमिर माजिद के बारे में, आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।